नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रविवार के दिन सेव रही की धरती पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गन्ना सोच संस्थान बवनौली में 3:20 पर उतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीपैड से जनपदीय मार्ग से कार्यक्रम स्थल किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तमकुही रोड सेवरही की धरती पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में कुल 421 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है, तो वहीं भगवान बुद्ध की धरती पर बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम तत्काल चालू करने जा रहे हैं, जिससे आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी व तमकुही राज विधानसभा के विधायक प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को घेरते हुए कोरोना काल में पलायन प्रवासियों को साधन उपलब्ध कराने के नाम पर बस नंबर की जगह स्कूटर का नंबर सरकार को उपलब्ध कराने का आरोप लगाते हुए जनता को बेवकूफ बनाने का भी मुख्यमंत्री ने तमकुही के विधायक पर आरोप लगाया। वहीं चुनावी समीकरण को घुमाते हुए 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट बांटने की बात कही व कुशीनगर के 14 लाख लोगों तक कोविड वैक्सीन लगने की बात कही। जहाँ एक तरफ कांग्रेस सरकार में रहते हुए जनता को सिर्फ बीमारी ही दी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीमारी से उभरने का काम किया। सपा बसपा को घेरते हुए बहन जी से लेकर अब्बा जान तक के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि इन सरकारों से जनता को क्या मिला, सिर्फ माफिया राज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी देने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। तभी जनता ने सरकार को बदल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र व प्रदेश में, जिससे केंद्र में मोदी की सरकार ने 7.5 साल में देश की तकदीर व तस्वीर बदल दी। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज से पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी, जो देश को लूटने का काम किया। जनसंघ का नाम लेते हुए कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। कहा कि हमारी सरकार 370 धारा वादा के अनुसार समाप्त करने का काम किया। सरकार बनते ही गुंडों माफियाओं का सफाया हुआ। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पार्टी की कमल तमकुही की धरती पर इस बार खिलाने की संकल्प दिलवाया। देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि योगी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध की ग्राफ जीरो टॉलरेंस पर पहुंच गया। कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़ी ही उद्यमिता के साथ कोरोना को मात देने में सफलता पाई। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जगदीश मिश्रा, बाल्टी बाबा, फाजिल नगर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा, कश्यप विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, भावी प्रत्याशी संध्या मिश्रा, पूर्व विधायक डॉक्टर पी के राय, अजय तिवारी, विजय राय, अखिलेश आदि उपस्थित रहे।